देखिए हर मैच अलग होता है और हर एक मैच को इंडिविजुअली लेना पड़ता है। जो आपने पिछले 5-6 मैचेस में किया है उसका कोई मायना होता नहीं है जब आप अगला मैच खेलने जा रहे हैं। तो आई थिंक यू शुड अप्रोच एवरी मैच इंडिविजुअली। देखिए ये सब चीजें हमारे कोचेस डिसाइड करते हैं। कोच साहब बहुत ही अनुभवी कोच हैं, वो मैट पे जो स्थिति होती है उस हिसाब से बेंच स्ट्रेंथ यूज करते हैं और ये सब स्ट्रेटजीज उनके हैं, मैं इनमें दखलंदाजी नहीं करता। 4 साल बाद होम ग्राउंड पर होम कोर्ट पर खेलेंगे तो क्या बेनिफिट मिलता है? देखिए होम सपोर्ट का बेनिफिट हमेशा मिलता है क्योंकि जब हमारे कबड्डी प्लेयर्स मैट पे उतरते हैं उनके जो फैंस हैं जयपुर पिंक पैंथर्स के फैन उन्हें सपोर्ट करेंगे तो बेनिफिट तो जरूर मिलेगा। सर उम्मीद स्पोर्ट में हमेशा एक ही होता है, कोशिश यही करेंगे। अभिषेक जी एक कबड्डी से अलग हटके सवाल, 22 जनवरी पर सबकी निगाहें हैं भगवान श्री राम का अयोध्या में जो मंदिर का शुभारंभ हो रहा जी, किस तरह देखते हैं, कितना उत्साह है आप में? मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ और ये देखने के लिए कि मंदिर कैसे बनी है, जाके वहाँ दर्शन करने के। कल के मैच को लेकर सुनील टीम के कैप्टन है, साथ में देशपाल है और राहुल चौधरी, टीम बहुत ही मजबूत है, तो क्या कुछ कितनी तैयारी के साथ में आप लोग? कल हमारा पहला होम मैच है तेलुगु टाइटंस के खिलाफ। तेलुगु टाइटंस के जो कैप्टन है पवन शेरावत, सबसे पहले उन्हें मैं बधाई देना चाहूंगा, अर्जुन अवार्ड उन्हें परसों मिला है। कल मुझे जयपुर के एयरपोर्ट में भी मिले थे और तेलुगु के जो कोच साहब हैं श्रीनिवास रेड्डी जी, वो हमारे कोच भी रहे हैं। पिछली बार जब हम लोग जयपुर में खेलने आए थे श्रीनिवास रेड्डी जी हमारे कोच थे, एक पारिवारिक सा रिश्ता है उनके साथ। प्लानिंग हमने की है, कोशिश यही करेंगे कि अच्छे से खेलें और जीत के मैट पे जो है जो कुछ भी दिखाना है तेलुगु टाइटंस को दिखाएं। तेलुगु टाइटंस और हमारे जितने भी बाकी जितने टीम्स हैं उन सब का जयपुर में स्वागत है। जयपुर और राजस्थान के लोगों को इस वजह से जाना जाता है कि वो बहुत ही हॉस्पिटेबल और वेलकमिंग है। वो वेलकमिंग स्पिरिट, वो हॉस्पिटैलिटी, वो हमारा जो एटीट्यूड है अतिथि देवो भव, वो मैट के बाहर तक ही रहने वाला है। एक बार आप मैट पर उतरेंगे फिर आपको एहसास होगा कि जयपुर किंग पैंथर्स क्या करेंगे।